आपको याद है कि अदालत ने भारतीय जनता पार्टी नेता बीएस येदुरप्पा को यह कहकर गिरफ्तार नहीं किया था कि वो कोई टॉम डिक और हैरी थोड़ना है, कोई छुटभैया नेता थोड़ना है, उन्हें हम गिरफ्तार थोड़ना कर सकते, और उन पर आरोप लगा था गंभीर पॉक्सो के अंतर्गत, जिस पर अदालतें अमूमन सख्त रहती हैं, मगर बीएस येदुरप्पा को गिरफ्तार नहीं किया गया था। आपकी स्क्रीन पर यह है अर्नब गोस्वामी, इस सरकार का चाटुकार पत्रकार, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने नरमी दिखाई थी, मगर ऐसी कोई नरमी विपक्ष के किसी नेता को लेकर नहीं दिखाई जाती। जी हां, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आप खेला को समझ रहे हैं दोस्तों, पहले ईडी का मामला आता है, उसको लेकर मामला कमजोर पड़ता दिखाई देता है, तो जब वो मामला खत्म हो रहा होता है तो फिर सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है। यानी यह प्रक्रिया ही सजा है। हर कीमत पर एक राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में रखो, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं है, हेमंत सोरेन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह अब चंपई सोरेन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और वो भी जेल में हैं। जी हां, हेमंत सोरेन भी जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल को भी जेल में रखने की हर कीमत की जा रही है। और खासतौर से उस दिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, उनकी बेल का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, मगर समानांतर तौर पर क्या हो रहा है दोस्तों, आज नए स्पीकर चुने गए ओम बिरला, और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनका स्वागत न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं बल्कि नेता विपक्ष राहुल गांधी भी कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 10 सालों में पहली बार विपक्ष को नेता विपक्ष मिला है और वो है राहुल गांधी। यह अपने आप में लोकतंत्र की बहुत खूबसूरत तस्वीर है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ओम बिरला का स्वागत राहुल गांधी भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी, और मैं इसे लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भाजपा सरकार ने विपक्ष का बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। जी हां, बिल्कुल सहयोग नहीं किया। लगातार विपक्ष की मांगों को रौंदा जा रहा था स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर, मगर आज जब उनका चुनाव हुआ तो इसका बहिष्कार नहीं किया गया। जबकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब ओम बिरला इससे पहले वाली लोकसभा में स्पीकर थे तब उन पर लगातार पक्षपात का आरोप लगा था, याद कीजिएगा। एक ही दिन में 100 से ज्यादा सांसदों को उन्होंने निलंबित कर दिया था, और उसके बाद आपको याद है क्या हुआ, 100 सांसदों को निलंबित किया जाता है और फिर मोदी सरकार, उस वक्त मोदी सरकार थी, अब तो एनडीए सरकार है, उस वक्त मोदी सरकार ने कई सख्त कानून पारित करा लिए। उनमें से एक कानून वो था कि पुलिस आपको 90 दिनों तक हवालात में रख सकती है और आप कुछ नहीं कर सकते। भारतीय न्याय संहिता याद है कि नहीं आपको, ये वही ओम बिरला हैं जिन्होंने महुआ मोइत्रा को संसद से निलंबित कर दिया था एक ऐसी समिति के फाइंडिंग्स के आधार पर जो भाजपा की तरफ झुकी हुई थी। ये वही ओम बिरला हैं जिन्होंने एकनाथ शिंदे फैक्शन को शिवसेना का दफ्तर प्रदान कर दिया था अपने आदेश में। लगातार विपक्ष के खिलाफ मानो उन्होंने मोर्चा खोल रखा था, विपक्ष लगातार उन पर पक्षपात का शिकायत करती रही थी, मगर आज जब वो दोबारा स्पीकर बने तो राहुल गांधी ने उनका स्वागत किया। मगर हां, जब राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया ना तो उसे आपको सुनना चाहिए। अंग्रेजी में भाषण है दोस्तों, और इसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि स्पीकर साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें हमारी आवाज उठाने का मौका देंगे, हमें उम्मीद करता हूं कि आप हमारी आवाज को नहीं डराएंगे, क्योंकि हमारी आवाज देश की जनता की आवाज है। आगे वो ये भी कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप संविधान की रक्षा करेंगे। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि नेता विपक्ष को यह बुनियादी चीज लोकसभा के स्पीकर को कहनी पड़ रही है कि आप संविधान की रक्षा करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। सुनिए राहुल ने क्या कहा था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन इज अलाउड टू बी रिप्रेजेंटेड इन दिस हाउस। आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल अलाउ अस टू रिप्रेजेंट आवर वॉइस, अलाउ अस टू स्पीक, अलाउ अस to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. Yeah. So the idea, Speaker, sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition, yeah,
is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the constitution of India. Main sadan mein pehli baar aaya hu, ye naye sadan mein mujhe laga ki hamare speaker ki kursi bahut unchi hogi, kyunki main jis sadan ko chhod ke aaya hu adhyay ji uski kursi bahut unchi hai. Us samay bhi मैं अध्यक्ष किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए. जहां ये नया सदन है वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं. पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है. अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे. मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके साथ आपके साथ है. बहुत धन्यवाद. इस बयान का एक पहलू यह है दोस्तों कि अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बयान है, और यह शर्म राहुल पर बरपा नहीं है दोस्तों, यह शर्म व्यवस्था पर है, यह शर्म मौजूदा राजनीति पर है, जहां आपने देखा किस तरह से ओम बिरला के आचरण पर लगातार सवाल उठता रहा, उन पर लगातार यह आरोप लगता रहा कि उनके तमाम आदेशों के निशाने पर सिर्फ विपक्षी सांसद थे. अब इन दो खबरों को दोबारा देखिए. अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया उसी दिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना था, और दूसरी तरफ ओम बिरला जो हैं, जिन पर पक्षपात का लगातार आरोप लगाया जा रहा था, वो अध्यक्ष बन गए. आज भाजपा सरकार वजूद में है इन दो लोगों की वजह से, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी प्रमुख और नीतीश कुमार. आज इन दोनों से सवाल है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है, कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि आप दोनों इस मुद्दे पर लगातार खामोश बने हुए हैं. मैं इन दोनों को एक एक बयान की याद दिलाना चाहूंगा. याद कीजिए 2019 में तेलुगु देशम पार्टी के चार सांसदों को भाजपा ने नोच लिया था और ये राज्यसभा में हुआ था. क्या ये बात चंद्रबाबू नायडू भूल गए? चंद्रबाबू नायडू क्या विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कल को ऐसा ही कोई संकट उनके लोकसभा सांसदों पर आए तो क्या ओम बिरला पक्षपात से ऊपर उठकर कार्रवाई करेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू 2019 का इतिहास भूल गए? और नीतीश कुमार, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना चाहती है. आपकी स्क्रीन पर जेपी नड्डा, कुछ महीनों पहले का इनका बयान है. इन्होंने ये बयान बिहार में ही दिया था कि हमारा मकसद है क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दिया जाए. क्या नीतीश कुमार इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? कहने को भाजपा बहुमत से 30 सीटें दूर है, मगर आप देख रहे हैं कि उनकी एजेंसीज किस तरह से विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, किस तरह से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जाते हैं. सीबीआई गिरफ्तार करती है जब ईडी का मामला कमजोर पड़ने लगता है, उसके बाद सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करती है. आज जब सीबीआई की राउज एवेन्यू अदालत में अरविंद केजरीवाल को पेश किया तो सुनवाई के दौरान अचानक अरविंद केजरीवाल का जो ब्लड शुगर लेवल है वो गिर गया. अरविंद केजरीवाल को, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बाहर लाया गया, उन्हें चाय और बिस्किट ली गई. सवाल यह कि हम सब जानते हैं कि मामला राजनीतिक है, और हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ब्लड शुगर की शिकायत है, उनको डायबिटीज की शिकायत है. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. इससे पहले भी आपको याद है जांच एजेंसीज ने अरविंद केजरीवाल की समस्या को मानने से इनकार कर दिया था. उसके बाद उन्होंने मशवरा लिया अस्पतालों से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से, उसके बाद उन्होंने अपनी राय बदली. पहले मानने को ही नहीं तैयार होते कि भाई अरविंद केजरीवाल को कोई दिक्कत है, अपनी गोदी मीडिया के जरिए उल्टा सीधा प्रचार भी चलाते हैं. बड़ा प्रश्न यह कि आपने इस तस्वीर में देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को बाहर लाया गया क्योंकि उनका शुगर लेवल अचानक गिर गया. सीधा सा सवाल, यह जवाबदेही किसकी है? अगर कल को अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी जवाबदेही लेगी?
क्या वो उन सवालों का जवाब देंगे जो अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य बिगड़ने से पैदा होंगे? ये सवाल तो किया जाएगा ना, यानी कि एक इंसान को हर कीमत पर जेल पर रखो जैसे हेमंत सोरेन जेल पर हैं। आखिर इस मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू क्यों खामोश हैं, नीतीश कुमार क्यों खामोश हैं, और कब तक आप खामोशी अख्तियार रखेंगे बताइए। ये खामोशी कांग्रेस के स्तर पर भी है, उसकी मैं बात बाद में जाके करूंगा, मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दिल्ली में एक जल संकट भी है जिसको लेकर आतिशी जो कि सरकार की जल मंत्री हैं वो आमरण अनशन पर थी। कल उनकी हालत बिगड़ गई, उनका शुगर लेवल 36 तक पहुंच गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आज उनसे मिलने अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव का यह बयान बहुत मार्मिक है। उनके साथ मौजूद थे संजय सिंह। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र की सरकार हर कीमत पर अरविंद केजरीवाल की सरकार को खत्म कर देना चाहती है। क्या कहा उन्होंने आतिशी की तारीफ करते हुए, आइए सुनते हैं। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको सही शिक्षा कैसे मिले और सुविधाएं कैसे मिल पाए, वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है। और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल ना पाए, जनता के बीच में न पहुंच पाए, सरकार ठीक से न चला पाए, इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनके उनको फंसा दिया गया। ये सीबीआई के लोग कोई पहली बार नहीं फंसा रहे लोगों को, ये लगातार फंसाते हैं लोगों को और उनको फंसाते हैं जिनसे इन्हें खतरा है। सीबीआई का इस्तेमाल होना, दिल्ली की संस्थाओं का इस्तेमाल होना, और उसी का परिणाम ये था कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ मतदान हुआ। वो तो बच गए, नहीं तो दिल्ली की सरकार जो थी केंद्र सरकार वो कभी सफाया हो गया होता। आज ये सवाल अखिलेश यादव से भी है। अखिलेश यादव आज आतिशी के पक्ष में है, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में उभर कर आ रहे हैं, मगर बड़ा प्रश्न, जिस तरह से केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है, इंडिया गठबंधन अपने स्तर पर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रही? आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी सामने आकर इस मुद्दे पर बयान नहीं देते? उन्हें सामने आकर कहना पड़ेगा। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह केस भी आया। आप जानते हैं इस केस में क्या है? इस केस में यह है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं, इसीलिए रायबरेली से जो उनका चुनाव हुआ है उसे खत्म किया जाए, उसे निरस्त किया जाए। राहुल गांधी को याद होगा कि इससे पहले भी मोदी शब्द के इस्तेमाल को उसे चोर से जोड़ने को लेकर उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उनकी सांसदी चली गई थी, उन्हें घर से भी निकाल दिया गया था। यानी कि यह सरकार और उससे जुड़ा जो तंत्र है उसके समर्थक हर कीमत पर विपक्ष पर निशाना साधना चाहते हैं। अब इन दोनों खबरों को जोड़िए, राहुल गांधी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया यह मामला जिसमें उनकी सांसदी को खत्म करने की बात की जा रही है, और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। मुद्दा यह नहीं है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर क्या कहा, मुद्दा यह है कि ऐसे मामले अदालत के सामने आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी एक अरसे से सांसद हैं, वो अमेठी से पहले सांसद रहे हैं, वायनाड से सांसद रहे हैं, और अब रायबरेली से सांसद हैं। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? कहने का अर्थ स्पष्ट है, साफ है। राहुल गांधी पहली बार सांसद नहीं बन रहे हैं। अगर यह केस पहली बार सांसदी के दौरान दायर होता तो बात समझ आती, मगर अब दायर हो रहा है। मकसद क्या है? तो या तो एजेंसीज के जरिए विपक्ष के नेताओं को जेल में रखा जाए, या फिर संसद के अंदर ऐसी व्यवस्था बरपाई जाए कि संसद में विपक्ष की आवाज को ही ना सुनने दिया जाए। यही बात राहुल गांधी ने आज ओम बिरला साहब को कही थी कि उम्मीद है आप हमें बोलने की आजादी देंगे, आप संविधान की रक्षा करेंगे, क्योंकि हमारी आवाज देश की आवाज है। मैं कुछ और कहना चाहता हूं। कई कांग्रेस के समर्थक कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के 99 सांसद हैं। मैं कहता हूं अगर आपके 2 भी सांसद होते तब भी लोकसभा अध्यक्ष को आपकी आवाज सुननी चाहिए, पक्षपात नहीं किया जा सकता। और आरोप सिर्फ लोकसभा पर नहीं लगा, याद कीजिए राज्यसभा,
जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ पर भी लगातार यह आरोप लगता है। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहने के लिए खड़े होते हैं और फिर जगदीप धनखड़ खड़े हो जाते कि नहीं, मैं अपने सदन में इस बात की इजाजत नहीं दूंगा, देश की नाक नहीं कटने दूंगा, इस तरह की बातें वो करने लगते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष हैं, उन्हें कहने नहीं दिया जाता। टीएमसी के सांसद है डेरेक ओब्रायन, जब ये बात कहने की कोशिश कर रहे थे तब बगैर नियमों को परखे उन्हें निलंबित कर दिया गया, उन्हें संसद से बाहर कर दिया गया बगैर नियमों को परखे। इस तरह से पीठासीन अधिकारी सदन के अध्यक्ष काम कर रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा हो लोकसभा हो। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? सीबीआई करती है केजरीवाल को गिरफ्तार, यानी एजेंसी के सहारे विपक्ष पर निशाना, प्रक्रियाओं के जरिए विपक्ष को खत्म करना, प्रोसेस इज द पनिशमेंट, अदालतें जिनके दोहरे मापदंड हम साफ तौर पर देख रहे हैं, जनता यही सवाल उठा रही है, यानी कि एजेंसी के जरिए सहारा, अदालतें जो कभी कभी निरंकुश दिखाई देती हैं, सदन के अंदर पीठासीन अधिकारी और सदन के जो अध्यक्ष हैं उनका कथित पक्षपात साफ तौर पर दिखाई देता है, और सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जलवा जो हम देख ही चुके हैं, किस तरह से सरकारें गिराई जाती हैं, किस तरह से प्राइवेट विमानों में एक पॉलिटिकल पार्टी के सांसदों और विधायकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, यह खेला कितनी बार हुआ है पिछले 10 सालों में आप और हम बखूबी जानते हैं। विपक्ष को एकजुट होना होगा। राहुल गांधी इस मुद्दे पर दोहरे मापदंड नहीं अपना सकते। जिस तरह से अखिलेश यादव आतिशी से मिलने गए, उसी तरह से राहुल गांधी या प्रियंका को भी जाना चाहिए आतिशी से मिलने। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के कितने नेता आतिशी से मिलने गए? आप लड़ाई लड़ रहे हैं अपने वजूद की, भारतीय जनता पार्टी के तेवर में कोई फर्क नहीं आया है। क्यों, यह भी जानिए। कहने को बहुमत से दूर हैं, मगर राजनीति स्वार्थ का खेल है। इस वक्त भाजपा जानती है कि अपने स्वार्थ के चलते चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उन पर कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी सरकार में मलाई काटनी है, इसीलिए वो कभी भी भाजपा सरकार जो मर्जी करे कुछ नहीं करने वाले हैं। वो कविता है ना राहत इंदौरी की, कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। ये बात चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ना भूलें, वो ना भूलें कि इससे पहले उन्हें भाजपा की मशीनरी से, उनके पैसे से, उनकी ताकत से लगातार चुनौती मिलती रही है। आज हम उनके साथ सत्ता में हैं, मगर कब तक, कब तक आपको लगता है कि आप अपनी खैर मनाएंगे? बहरहाल दोस्तों, जो मैं अक्सर कहता रहा हूं, हमें इंतजार करना पड़ेगा अगले 100 दिनों का, क्योंकि अगले 100 दिनों में महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं, हरियाणा के चुनाव होने हैं, उसके बाद झारखंड में चुनाव होने हैं। कहने का अर्थ क्या है, अगर इन तीनों राज्यों में भाजपा हार जाती है तब ये तमाम एजेंसीज, तमाम दबाव, ये सब कुंद पड़ने वाला है। जी हां, तब दबाव बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, न सिर्फ सहयोगी दलों से बल्कि पार्टी के अंदर से भी, क्योंकि आप इस बात को साफ तौर पर जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जहां भाजपा का इतना खराब प्रदर्शन था, वहां पहले से ही यूपी लॉबी बनाम गुजरात लॉबी में गैंग वॉर चल रहा है। इसीलिए मेरा कहना, इंतजार कीजिए अगले 100 दिनों का, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।